इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। झारखंड के धनबाद में जज की मौत पर बहुत बड़ी खबर। धनबाद में जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की है और झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले में पुलिस और प्रशासन के ऑफिसर्स को नोटिस भी भेजा है। सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। सवाल यह है कि जज उत्तम आनंद की मौत हादसे में हुई या फिर यह कोई साजिश है, क्योंकि जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि ऑटो ने जानबूझ कर मॉर्निंग वॉक पर निकले जज को टक्कर मारी। जज उत्तम आनंद कई हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई भी कर रहे थे। जिस ऑटो से जज को टक्कर मारी गई वो ऑटो गिरेडी से बरामद हुआ है और पुलिस ने ऑटो ड्राइवर लखन सहित दो लोगों को अरेस्ट भी किया है। मामला हाई प्रोफाइल है, एक जज की जान गई है, इसलिए पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच भी कर रही है। एसएसपी धनबाद और डीआईजी बोकारो के मॉनिटरिंग में इस पूरे घटनाक्रम का और इस कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ सीआईडी और फॉरेंसिक की टीम्स को इस एसआईटी की अनुसंधान में सहायता के लिए भी लगाया गया। अभी तक जो है दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और दो व्यक्ति अरेस्ट किए गए और जो ऑटो इस पूरे घटनाक्रम में जिसका यूज हुआ था उस ऑटो को भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। ऑटो चालक लखन कुमार वर्मा, ये बेसिकली सोनारपट्टी धनबाद का रहने वाला है और दूसरा जो है वो राहुल वर्मा, ये भी सोनारपट्टी थाना जोड़ा पोखर धनबाद का रहने वाला है। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। बेटी की इस तरह से हुई मौत से पूरा परिवार टूट गया है। अंतिम संस्कार से पहले जब कुछ रस्में की जा रही थी उनकी मां फूट फूट कर रोने लगी। पिता भी खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। परिवार किसी भी हाल में यह मानने को राजी नहीं है कि कोई हादसा हुआ है। परिवार का कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई है, सीबीआई जांच हो। देखा है सारा तो न्यूज़पेपर और सारा मीडिया में आया हुआ है तो उस नजर को क्या दिखाना है? क्या पहले हम लोग डिजिटल बोले कि चोरी का था, ये तो साफ दिख रहा है। अनपढ़ गवार को भी दिखाए तो साफ पता चलेगा कि हत्या की गई है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमारा मांग क्या है? हमारा मांग है यही कि सीबीआई से जाँच हो और जो है ये न्यायाधीश नियुक्त करके उनसे जाँच कराया जाए निष्पक्ष रूप से। और इस मामले में जज का परिवार साफ साफ इसे हत्या करार दे रहा है, इंसाफ की मांग भी किया जा रहा है। लेकिन जिस ऑटो ड्राइवर पर आरोप लगा है उसने एक हैरान करने वाला खुलासा भी किया। करीब 3:30 बजे हम उठे थे, देखे टेम्पो गायब है। गाड़ी कहाँ रखते? गाड़ी बस यहीं पर रखते हैं। खड़ा गाड़ी करीब हम लोग 11:30 बजे तक जगल थे। सूचना थाना को दिए? पाथरी थाना सूचना दी है। देखा है सारा तो न्यूज़पेपर और सारा मीडिया में आया हुआ है तो उस नजर को क्या दिखाना है? क्या पहले हम लोग डिजिटल बोले कि चोरी का था, ये तो साफ दिख रहा है। अनपढ़ गवार को भी दिखाए तो साफ पता चलेगा कि हत्या की गई है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमारा मांग क्या है? हमारा मांग है यही कि सीबीआई से जाँच हो और जो है ये न्यायाधीश नियुक्त करके उनसे जाँच कराया जाए निष्पक्ष रूप से। षड्यंत्र की आशंका इसलिए जताई जा रही है कि उत्तम आनंद धनबाद में हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई कर रहे थे। चर्चित रंजय सिंह हत्याकांड का केस उनके कोर्ट में ही था। कुछ दिन पहले उन्होंने दो अपराधियों की बेल खारिज की थी। उन दोनों के तार रंजय सिंह हत्याकांड से जुड़े हो सकते हैं। उत्तम आनंद ने महज 6 महीने पहले ही धनबाद के जज का पदभार संभाला है। जज की मौत के बाद झारखंड की सियासत भी गर्मा गई है। दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। बीजेपी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। झारखंड के अंदर हम कह सकते हैं कानून का शासन नहीं रहा और जिस तरह से आप देखो कि कल जो हत्या हुई वो हत्या पूरी तरह एक सुनियोजित षड्यंत्र, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कॉलेप्स हो चुका है। शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो ये हत्या हुई है उस पर तो हम तो यही मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी राज्य सरकार पूरी तरह जांच करे। अगर बड़े से बड़े कोई एजेंसी को लगाना है तो एजेंसी को लगा के जांच करे, अन्यथा ये सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो। जिस तरह एक जज के साथ हुआ
आपके हिसाब से क्या ये एक्सीडेंट है या हत्या की गई? देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार, लखर सरकार, कानून व्यवस्था में विफल सरकार, आज आम आदमी परेशान है कानून व्यवस्था को लेकर के। अब तो न्यायाधीश भी सुरक्षित नहीं, और न्यायाधीश जिस प्रकार से धनबाद की घटना घटी है, एक दुर्भर घटना है, और सरकार मुख दर्शक मौन दर्शक बनकर के खड़ी हुई है। ये बहुत दुर्भाग्य है, पूर्ण घटना है। हालांकि पुलिस ने दोनों को पकड़ा है, जो ऑटो था उसको भी जब्त किया है। ये खानापूर्ति है, खानापूर्ति तह में जाना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए किन कारणों से और किस परिस्थिति में किस प्रकार से हत्या हुई है, इसकी पूर्णतः जाँच CBI से जाँच। जिस तरह से जज उत्तम आनंद की मौत हुई और CCTV सामने आने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। जज की हत्या साजिश के तहत हुई है, ऑटो का चोरी होना इत्तेफाक है या साजिश है? यह भी एक बड़ा सवाल है इस पूरे मामले में। ऑटो का चोरी होना क्या इत्तेफाक था? यह लगातार कहा जा रहा है। क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? जज की हत्या को हादसा दिखाने की क्या कोशिश की गई है? यह भी एक सवाल है, क्योंकि आप CCTV में देखिए, आप साफ हो जाएगा जो हम कह रहे हैं। क्या जज की मौत में रसूखदार लोगों का हाथ है? ये भी एक सवाल है। और हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र जुड़ गए। नीतीश, ये बताइए कि फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट में क्या सुनवाई चल रही है इस पर? देखिए, कोर्ट में इस संबंध में जब बातचीत हुई तो ये जानकारी दी गई कि इस मामले की जांच जो अभी तक CT/SP के स्तर के एक अधिकारी से की जा रही थी, अब ADG रैंक के एक अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई है, और इस मामले की जो मॉनिटरिंग है वो कोर्ट करता रहेगा। और ये भरोसा दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से कि इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जाएगी। आज 5 बजे धनबाद के SP एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद इस मामले का खुलासा हो सकेगा। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है क्या इसकी? उसके बारे में अभी तक कितनी जानकारी है कि जो डॉक्टर्स ने बताया था वहां कि ब्रेन हेमरेज से इनकी मौत हुई है, इनके कान से ब्लीडिंग हो रही थी, चूंकि चोट लगी होगी सिर के हिस्से में, संभव ऐसे हुआ होगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो रिपोर्ट नहीं आई है, डॉक्टरों ने ये जानकारी दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए India TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें India TV के साथ।